आज धनतेरस पर मध्य प्रदेश के सभी शहरों और कस्बों के बाजार गुलजार हैं। दरअसल दिवाली साल की सबसे बड़ी खरीदी का त्यौहार बन गया है। अनुमान है कि इन दिनों सिर्फ मध्य प्रदेश भर में 10 से 11 हजार करोड़ रुपए का कारोबार होने जा रहा है। इस बार सबसे ज़्यादा मांग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सराफा और रेडीमेड बाजार में नजर आ रही है। बाजार में इस बार इस रौनक की सबसे बड़ी वजह क्या है, देखिए हमारी रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार पर धनतेरस के दिन से बाजार में ग्राहकों की ज्यादा भीड़ उमड़ती है। राजधानी भोपाल के सभी बाजार ग्राहकों से गुलजार है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस बार हर सेक्टर में भारी खरीदी का रुझान साफ दिख रहा है। धनतेरस के अवसर पर बाजार गुलजार है और सैकड़ों की संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। और जब हम यदि आंकड़े की बात करेंगे तो यह आंकड़ा व्यापार का लाखों में करोड़ों में पहुंचेगा। और लोकल फॉर वोकल की जो अपील की गई है उसके तहत लोग लगातार अब छोटे व्यापारियों के यहां पर भी खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। विस्तार न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल। माना जा रहा है कि इस बार धनतेरस पर मध्य प्रदेश में 10 से 11 हजार करोड़ रुपए तक का कारोबार होगा। और अगर बात राजधानी भोपाल की करें तो इस बार हजार करोड़ के कारोबार का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा मांग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन और सराफा बाजार में नजर आ रही है। कपड़ा, मिठाई, पटाखे, फर्नीचर समेत सजावटी सामान की बाजार में अच्छी बिक्री हो रही है। जैसा कि अपन हर बार देखते हैं कि त्योहार फीके होते जा रहे हैं, लेकिन इस बार न्यू मार्केट में जो दीपावली का माहौल रहा है तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी दुकान नहीं न्यू मार्केट की जिसने अच्छा व्यापार न करा हो। और क्वालिटी के साथ न्यू मार्केट वाले व्यापारी व्यापार करते हैं, क्योंकि न्यू मार्केट का व्यापारी अपनी क्वालिटी पे ध्यान देता है। बर्तन वाले करोड़ों का व्यापार करेंगे और अपनी दुकान पे लाखों का धंधा करेंगे एक एक प्रत्येक दुकानदार, और ऐसी गोल्ड के व्यापारी भी करोड़ों का व्यापार करेंगे। कारोबारियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार 30% ज्यादा कारोबार दिवाली पर होगा। हमेशा की तरह लोग इस बार भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। धनतेरस पर इंदौर में करीब 4000 से ज्यादा कारें बिकी हैं। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा दुगना है, जब धनतेरस पर 2000 कारें बिकी थी। जैसा कि आज धनतेरस का त्यौहार है, ऐसे में जो कार की बिक्री है, कारों की बिक्री है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास इतनी सारी जो कार्स हैं वो लाइन से खड़ी हुई है। ये एक स्पेशल गार्डन बुक किया गया है कार्स की डिलीवरी के लिए। जब विस्तार न्यूज़ की टीम एक शोरूम में पहुंची तो वहाँ पर पता चला कि शोरूम में तो पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। इसके लिए इसी वजह से एक गार्डन बुक किया गया है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मांग ने 100% की उछाल मारी है। इस साल अगर हम देखेंगे तो जो सेल है वो लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 20% प्लस है। एंड यहाँ पे जो रिस्पांस है टाटा मोटर्स की कार्स का वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी सबसे ज़्यादा जो डिमांड में है वो लेटेस्ट में लॉन्च की गई कर्व एंड नेक्सॉन CNG है। हमारे पास CNG सेगमेंट में जो गाड़ियाँ करीबन 4 वेराइटी है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है। जाहिर है कि ऑटोमोबाइल मार्केट में भविष्य की उम्मीदें बढ़ी हैं। धनतेरस पर इतनी बड़ी संख्या में कार की डिलीवरी से इंदौर के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट मिला है। विस्तार न्यूज के लिए इंदौर से मीनू ठाकुर और भोपाल से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। वैसे हमारे बाजारों के सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। ऑनलाइन खरीदारी बहुत बढ़ गई है, मगर इसके बाद भी दिवाली की रौनक बाजारों में बरकरार है। जबकि पिछले कई दिनों से ऑनलाइन की सेल कई दिनों तक चली, उसके बाद भी बाजारों में ग्राहकों और दुकानदारों के चेहरों पर खुशियां देखकर अच्छा लग रहा है।